अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है आप सबकी उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे खैरियत से होंगे दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफसमान में रखे और आप सबके रमज़ान कैसे जा रहे हैं ज़रूर बताइएगा अच्छा जी आज मैं आप लोगों के साथ ये बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट ग्लैम सा लुक शेयर करूँ जो कि आप में से सब कर सकते हैं हाउस वाइफ हैं लड़कियाँ हैं सब आप ये लुक आराम से घर पर कर सकते हैं आईब्रोज़ को शेप देनी है बेस बनानी है तमाम प्रोडक्ट्स की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन भी करती हूँ और मैं लिंक भी दे रही हूँ कि जहाँ से आप अफोर्डेबल मेकअप वगैरह चीज़ें ले सकते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ऑनलाइन कोई लिंक दें तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है आप लोग देख लीजिएगा अच्छा जी कोई भी आपने ब्लशन किट लेनी है जो भी आपके पास ब्लशन है ना आपने उसमें से जो है शेड्स ले लेने अच्छा यहाँ पे बहुत प्यारा सा लाइट ब्राउन ऑरेंज सा शेड है सबसे पहले क्रीज एरिया में मैं इसको हल्का हल्का सा रखूँगी ब्लेंड करूँगी बहुत ज़्यादा इस शेड को हमने अप्लाई नहीं करना नीचे जो लूज़ पाउडर मैंने रखा है वो ए का ज़ीरो शेड है या ज़ीरो है मैं डिस्क्रिप्शन प्शन में मैंशन कर दूंगी डिटेल्स आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं अच्छा जी हल्के हल्के हाथ से आपने ब्लेंड करना है उसके बाद ये पीच और ऑरेंज सा जो शेड है पिंक uh, सा ये आपने ब्लशन किट से लेना है पिंक पीच uh, इस तरह के शेड आपको आपकी ब्लशन किट में आराम से मिल जाते हैं आपने हल्के हाथ से इसको अपने क्रीज एरिया में इतना अच्छा ब्लेंड करना है कि बिल्कुल भी कोई हार्श लाइन्स हमें नज़र ना आए अब, अब में वैसे तो कोई रूल्स नहीं होते लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको कहूँगी बिगनर्स को कि हमेशा ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करें और जो कलर्स आप पे सूट करते हैं ना उन कलर्स को आप अपने क्रीज एरिया में रख के ब्लेंड किया करें आवाजों को प्लीज इग्नोर कीजिएगा अच्छा जी अब आपने क्या करना है हल्के हल्के हाथ से शेड को आगे की तरफ ब्लेंड करते हुए जाना है फिर एक साफ़ ब्रश लेके हार्श जो लाइंस बन जाएंगी उनको अच्छे से ब्लेंड करना है अभी तक मैंने ब्रॉबॉर्न इनर कॉर्नर को हाईलाइट नहीं किया आप लोग पहले भी कर सकते हैं बीच में भी कर सकते हैं जैसे आपकी मर्जी हो सेम आपने पिंक और पीच शेड मिक्स करते हुए नीचे हल्का हल्का आपने इस तरह से अप्लाई कर लेना है थोड़ा ज़्यादा भी शेड लग जाएगा तो टेंशन नहीं लेनी जब हम डस्ट ऑफ करेंगे नीचे तमाम शेड्स को तो वो वैसे ही लाइट हो जाता है ठीक है जी इस तरह से अब आपने ब्लेंडिंग कर लेनी है लोअर लैश

से कवर कर लेना है अगेन आपने क्या करना है वही वाला शेड हाइलाइटर लेकर एक पेंसिल ब्रश या एक लाइनर ब्रश को वेट करते हुए आपने इस तरह से अपने शेड को नीट और क्लीन कर लेना है बड़ा ही नीट और बड़ा ही प्यारा लुक आता है इससे क्या होता है कि आपकी आंखें बड़ी नजर आती हैं अगर मेरी तरह आइज हुडेड हैं छोटी हैं तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही कमाल का लुक आता है मजीद आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है उसके बाद आपने एक कट ब्रश लेना है उस पर एक लाइट ब्राउन सा शेड लेना है और जैसे आप लाइनर लगाते रहो उस तरह से आपने इस शेड को अप्लाई कर लेना है हल्का हल्का सा ब्लेंड करना है और थोड़ा सा ये शेड मोटा अप्लाई होगा बहुत ही खूबसूरत लगता है आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा उसके बाद कोई भी चंकी ग्लिटर्स वाइट से मैंने लिए हैं काशी के विंटेज जॉल पैलेट से रिव्यू मेरे चैनल पे मौजूद है अच्छा जी इस तरह से आपने कोई भी चंकी ग्लिटर्स अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो विदाउट ग्लिटर भी ये मेकअप बहुत अच्छा लगेगा आप फिंगर की मदद से भी लगा सकते हैं ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं उसके बाद मालियाओ की वाइट पेंसिल है यह आपने आइज़ में लगा लेनी है अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्ट लुक आए आइज़ बड़ी नज़र आएँ अच्छा जी लैशेज़ का आप लोग पूछते हैं लेशेज़ मैंने दिखा दी है आप लोग स्क्रीन ले सकते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है है अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स का का बॉब मस्कारा में यहाँ पे यूज करी हूं। मस्कारा मैं यूज़ भर भर के लगाना अगर आप लोग नहीं लगाना चाहते तो अच्छे से मस्कारा की दो तीन बार कोटिंग करनी है और आपकी आइज बहुत प्यारी लगने वाली हैं उसके बाद लैशेस लगा लेनी है और स्वीट टच का मैंने ग्लू यूज किया है नीचे जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स थे पाउडर था वो मैंने डस्ट ऑफ कर लिया और हाईलाइटेड जो है मैं पेंसिल ब्रश या किसी भी लाइनर ब्रश की मदद से आपने इनर कॉर्नर पे अच्छे से हाईलाइट कर लेना दोबारा चाहिए और यह आज की फाइनल लुक आपको वीडियो कैसी लगी है? आप लोगों ने ज़रूर बताना इस लुक को ज़रूर ट्राई करना आप लोग इसको ईद पे किसी भी फंक्शन पे आप इसको आराम से कर सकते हैं डे टाइम में नाइट में बहुत प्यारा लगेगा इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाए जल्दी से मुझे फॉलो करना हमारा जब थ्री सिक्स के नाम से मेरी आईडी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पर मैं पिक्चर्स वीडियोज़ वगैरह अपलोड करती रहती हूँ और कहाँ से मैं चीज़ें बाई करती हूँ उनको भी टैग करती हूँ तो आप लोग जरूर विज़िट कर लीजिएगा वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह